नमस्कार, मैं प्रतीक्षा वर्मा। इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों की ओर। खबर है हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से। आपको बता दें, सोलन जिले में युवाओं के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। वहाँ के युवाओं को नौकरी पर रखा गया, लेकिन बदले में उनसे 30,000 रुपए लिए गए। वहीं नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर बहुत से युवाओं को ठगा गया है। जी हाँ, आपको बताते चलिए, साथ ही 3 महीने काम करने के बाद सैलरी भी नहीं दी गई। अब युवाओं ने कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है और साथ ही अपने पैसे भी लौटाने की मांग की है। जी आपको बता दें, दरअसल सोलन में FFT कंपनी ने अपना दफ्तर खोला, नौकरी का हवाला देकर बहुत से युवाओं से 30,000 रुपए भी लिए गए और साथ ही कहा कि वह कंपनी में काम करेंगे तो उन्हें 20,000 रुपए वेतन भी मिलेगा। वहीं आपको बता दें, सोलन के कायलर में FFT कंपनी का दफ्तर है और युवाओं ने यहां शुक्रवार को हंगामा भी किया था। युवक युवतियों ने रोष जताते हुए कहा कि कंपनी बाहरी राज्य से आकर भोले भाले युवाओं से नौकरी का झांसा देकर पैसे ठगने का काम कर रही है। जी हां, ऐसे में 17 साल की एक युवती ने कहा कि उसने फीस के नाम पर अपनी माँ से पैसे लिए थे, लेकिन अब उसे न सैलरी मिली है न ही पैसे। जब कंपनी से अपने पैसे वापस मांगे तो उन्होंने उन्हें घटिया किस्म के कपड़े दिए और कहा कि कपड़ों को बेचो। कंपनी प्रबंधन का कहना है कि युवाओं को नौकरी का झांसा नहीं दिया गया है, उन्हें पहले ही मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में बताया गया है। यह युवा खुद ही काम नहीं करना चाहते हैं। युवा पुलिस में भी शिकायत देकर आए थे वहीं, लेकिन पुलिस ने उन्हें गलत करार देकर वापस जाने की सलाह भी दी है। वहीं आपको बता दें, कंपनी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। एक अन्य लड़के ने बताया कि 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। वह अपनी छोटी बेटी को घर छोड़कर नौकरी करने आती थी, लेकिन अब उसे सैलरी नहीं मिली है। साथ ही उससे 30,000 रुपए भी जमा करवाए गए हैं। वैसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहेंगे 24x7 लाइव टीवी।